जी सर, ये बहुत मतलब मराठी की अलग फिल्म है, इसकी स्टोरी जो है रीजनल है और इसमें मेरा किरदार है 20 से 65 साल तक का और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने ये फिल्म देखी है, बच्चन जी ने इसे ट्वीट किया है तो बहुत बड़ी बात है और अनिल कपूर जी ने म्यूज़िक लॉन्च किया है फिल्म का और सभी तरफ से शुभकामनाएं आ रहे हैं जी। अपने माता जी पिताजी का जो भी सपना होता है तो बच्चे वो सपना पूरा करते हैं या नहीं करते, या खुद को ही सपनों के पीछे भागते हैं, ये इशू को लेकर ये फिल्म बनाई गई है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हमारे जो डायरेक्टर हैं पांडुरंग जाधव जी, इन्होंने बहुत अच्छा निर्देशन किया है। मिताली जो मेरी कोआर्टिस्ट है, इसने भी बहुत अच्छा काम किया है और हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही आनंददायक है, इसलिए क्योंकि आफ्टर नेशनल अवार्ड ये मेरी रिलीज़ होने वाली पहली मूवी है जो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद है, तो ये कहीं तो भी मेरे लिए बहुत इमोशनली अटैच वाला प्रोजेक्ट है और कैरेक्टर वाइज और मूवी वाइज प्रोजेक्ट वाइज अगर मुझे कहना है तो इट्स अ बायोपिक जो एक रियल स्टोरी के ऊपर है, जिसलिए कैरेक्टर भी हमें वही प्ले करने हैं जो अभी भी लाइव है, जो जिंदा है, ऐसे लोगों को हमें देख के प्ले करना था, तो एक अलग चैलेंज था। इसमें एक एज ग्राफ था जो 20 to 60 का हम मुझे प्ले करना था, जो एक बहुत वर्क सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं जो इससे मिला, सो बहुत एक्साइटेड है। हाँ वही है कि 20 से 60 साल की उम्र का एक पूरा जो स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, जो इसमें मुझे प्ले करना है। नहीं, आर्टिस्ट के लिए प्ले करना कोई टफ नहीं। हाँ आप ऐसे कह रहे हो, नहीं नहीं अच्छा इससे जुड़ा एक सवाल है कि क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले आप दोनों को अपने किरदार के लिए? कॉम्प्लीमेंट मिलने का दिन तो आज के बाद शुरू होगा। जो एक्चुअली मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट, जो रियल कॉम्प्लीमेंट होती है वो होती है ऑडियंस की, तो बाकी के लोगों की तो ब्लेसिंग होती ही है, सपोर्ट होता है, लेकिन जो रियल कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगी वो हमें मिलेगी जो ऑडियंस है, जो रिलीज कितना मतलब पसंद करती है, मिलेगा करती है। जी बहुत अच्छा था, क्योंकि मिताली जी ने कभी मुझे ऐसा ये एहसास भी नहीं होने दिया कि उनको नेशनल अवार्ड है और मेरी ये और पहली मुझे भी इसने कभी किसी भी परफॉर्मेंस में ऐसे महसूस नहीं हुआ कि ही इज़ अ न्यू कमर, कि अरे थोड़ा टाइम लग रहा है या फिर बहुत रिहर्सल करनी पड़ रही है, तो हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जेल हो गए थे। कितना एक हो गया ना, अभी और लोगों को भी मिलना चाहिए ना, सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।